नमस्कार, हरियाणा रिपब्लिक पर हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं पवन शुक्ला और आप देख रहे हैं हरियाणा रिपब्लिक। अभी हम मौजूद हैं पानीपत के शुगर मिल के अपोजिट साइड में। यहां पर जो पूर्वांचल कल्याण समिति है उनके द्वारा छठ पूजा का यहां पर आयोजन किया गया है। बता दूं आपको कि पानीपत में 3 से 4 जो पूर्वांचल की संस्थाएं लगातार हर वर्ष इसी प्रकार हर्षोल्लास के साथ छठ पूजा का आयोजन करती है। और इस बार एक अलग मैं दिखाऊं, अपने वीडियो के लिस्ट कहूंगा कि दिखाएं, छठ की पौड़ी बनाई गई है। आपको हरिद्वार में हर की पौड़ी तो देखने को मिलती है। इस बार जो समिति है उन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया है, इस बार छठ की पौड़ी का निर्माण करवाया गया है। तो इसके लिए हम बात करेंगे यहाँ पूर्वांचल कल्याण समिति के प्रधान से कि किस प्रकार उन्हें यह विचार आया कि यहाँ पर छठ की पौड़ी का निर्माण करवाया जाए। तो हरियाणा रिपब्लिक की टीम है, उनकी तरफ से आपको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। ये बहुत समय से हम लोग तकरीबन जैसे 25 सालों से जो है इस घाट पर, क्योंकि यहाँ भी छठ पूजा जैसे थोड़ा बहुत होता था तो वहाँ की जैसे व्यवस्था जैसे अच्छा नहीं था, इसलिए इस घाट को जैसे हम लोगों ने देख करके इस घाट का निर्माण शुरू किया। और इस घाट पे जैसे हम लोगों ने तकरीबन 1996 से इस घाट की जैसे उसमें हम लोग लगे हुए थे व्यवस्था में, ताकि इस घाट पर सब लोग उधर आएँ और जो मुख्य मार्ग है उसका आवागमन अवरुद्ध ना हो। तो ये बताइए प्रधान जी कि आपको ऐसा विचार क्यों आया कि यहाँ पर छठ की पौड़ी का निर्माण करवाया जाए? इसलिए कि छठ का पौड़ी पर हमारे खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग, कुछ लोग तो जैसे छठी मैया के जैसे कि साथ बैठ करके जैसे पूजा करते हैं, कुछ लोग जैसे पानी में खड़े होकर के पूजा करते हैं, और अस्तांचल सूर्य भगवान का जैसे जो है कि जैसे अर्घ देने के लिए जैसे पानी में खड़े रहते हैं, कुछ लोग स्नान भी करते हैं। तो हम चाहते थे कि यहाँ बढ़िया निर्माण हो ढंग से, ताकि जो है लोगों को कठिनाइयाँ दूर हो। ये कि हरियाणा की सरकार है जो पानीपत की जो सरकार जो बागडोर हाथ होती है विधायक जी के हाथ में होती है, तो उनकी तरफ से कुछ सहयोग मिला था आपको? देखिए, सरकार की तरफ से सहयोग तो हमें मिला, खास करके सिंचाई विभाग के तरफ से हमें भरपूर सहयोग मिला है, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और कॉरपोरेशन के तरफ से भी जैसे ये लाइट वगैरह का व्यवस्था अभी थोड़ी देर में देखेंगे आप लोग, लाइट वगैरह जल जाएगी। बाकी विधायक जी जो है तो हमें पता नहीं कि विधायक जी कहाँ सोए हुए हैं, नज़रें नहीं आए उनको, हमने आमंत्रित किया लेकिन वो नहीं आए। हालांकि शहरी विधायक को या ग्रामीण विधायक को? शहरी विधायक, ग्रामीण विधायक के भाई साहब यहाँ पधारे थे, और सांसद संजय भाटिया जी की पत्नी भी यहाँ पधारी थी, उनका भी जैसो उनके पधारने का पर हम उनका धन्यवाद देते हैं। लेकिन हम विधायक जी जो हमारे शहरी विधायक हैं उनको बार बार निमंत्रण देने पर भी नहीं आए, इसका हमें जैसो दुख है, अफसोस है। अब देखने को आपको हर बार यहाँ पर एक अलग चीज़ देखने को मिलती है। यहाँ पर तमाम जो यहाँ पर इस समिति के लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। तो जो ये बताइए सर, इस बार क्या कुछ आपकी तरफ से गाइडलाइन दी गई है लोगों को? सरकार द्वारा तो गाइडलाइन दी गई है कि मास्क लगा कर आए, आप क्या संदेश देंगे सबको? हमने जो है बताए हैं कि जो है सब लोग अपने मास्क लगा के घर से चलें, उसके बाद हमने भी मास्क की जो है सुविधाएं उपलब्ध कराए, लोगों को मास्क बांटा, ताकि जो है लोग मास्क लगा करके दूरी बनाए रखें। ये एक बहुत बड़ी वैश्विक महामारी है जिसको कि दो ही चीज़ से हम निदान पा सकते हैं। एक तो सारे आदमी से अनुरोध है कि सब मास्क लगा के रहें, मास्क लगा के ही रहें और सुरक्षित दूरी बना के रखें। कम से कम 2 फीट की दूरी एक आदमी से दूसरे आदमी के बीच में होना चाहिए, आदमी को बचने का यही एक तरीका है। जय छठी मैया। इस बार बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारियां की गई है हमारे पूर्वांचल कल्याण समिति के संघ के तरफ से, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें हमारे हरियाणा सरकार के तरफ से भी सहयोग दिया गया है, जिसको लेकर के हमारी समिति ने उसका बहुत ही फायदे से अच्छा महसूस कर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि इस भीड़ को देखते हुए अगले साल इसको डबल व्यवस्था के रूप में किया जाए। हमारी सरकार से यही मांग रहेगी, यही सच छठ मैया की जय छठ मैया। हरियाणा रिपब्लिक की जो टीम है, आपको बता दें कि पूर्वांचल कल्याण समिति है वो बहुत ही ज़्यादा जोश में काम करती है, और आप देख पा रहे होंगे उनके जो संघर्ष का ही नतीजा है, जोश का नतीजा है कि इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। वहीं यहाँ पर पूर्वांचल जो कल्याण समिति है उसके एक और सदस्य हैं, उनसे भी जानेंगे कि सर क्या कुछ कठिनाइयाँ आई आपको ये पूरी जो तैयारी करने में। हम लोगों को सिंचाई विभाग से काफ़ी सारा सहयोग मिला, और इसमें हम लोग लगातार प्रयास करके 10-15 रोज से लगे हुए हैं,
और इसको इस अंजाम तक हम लोगों ने पहुंचाया। साफ सफाई की व्यवस्था या पानी की छिड़काव की व्यवस्था या पेंटिंग की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं को हम लोगों ने अंजाम दिया। इसमें छठ घाट बनाने में पहले जो विधायक थी उनका काफ़ी योगदान रहा, रोहिता रेड्डी जी की। समिति की तरफ से कौन से पोस्ट पे हो आप? मैं कैशियर के पद पे हूँ जी। जी तो देखिए, अभी हमारे साथ यहाँ पर पूर्वांचल कल्याण समिति के सदस्य रहे, जिन्होंने बता दिया कि इस बार के जो हमारे विधायक जी हैं उनकी तरफ से जो ठीक ठाक सहयोग था। लेकिन वहीं बात करें जो पूर्व हमारी विधायिका थी रोहिता रेवड़ी, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सहयोग किया था। उनके करकमलों से ही यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इन पौड़ी का निर्माण करवाया गया। जो हरियाणा रिपब्लिक के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, उन सबको, दर्शकों को जो हमारे यूपी बिहार के दर्शक अभी लाइव देख रहे हैं, उन सबको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे से आप ये त्यौहार अपनों के साथ मनाएं। और फिर से एक बार कहूँगा, वीडियो को शेयर कर दें। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल तिवारी के साथ पवन शुक्ला, पानीपत।